सर इस देश विरोधी गैंग, मैं देख रहा था मेरे कई साथी हैं, अब साथी इनको क्या कहा जाए, खलियरों की टीम है, इन सब ने बड़ी जश्न का माहौल बनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा, पता चलेगा देश को कि अडानी और अंबानी ने कितने पैसे दिए। सरकार मतलब एक नैरेटिव करने की कोशिश की गई थी कि मोदी सरकार करप्ट है, और राहुल गांधी का जो एजेंडा सालों से चल रहा था कि अडानी और अंबानी के पॉकेट में यह सरकार आखिरी अस्त्र था, जिस तरह से पिछली बार राफेल एक अस्त्र के रूप में राहुल गांधी से करवाया गया था, ठीक उसी ढंग से इस चुनाव से पहले ये एक नैरेटिव बनाने, एक भ्रम बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे था। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर वो पूरा फैक्ट डाल करके किस देश विरोधी गैंग को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया सर, नग्न कर दिया। आपने प्रशांत भूषण का वो ट्वीट भी डाला है, आपने लिखा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी हाँ मनीष जी, ये एसबीआई ने जब चुनाव आयोग को दिया, चुनाव आयोग ने आज अपनी वेबसाइट पर डाल दिया करीब 8:15 बजे, तो उसके बाद इसका बड़ा तिलमिलाया हुआ आया। इसको पता नहीं क्या परेशानी है, क्या चाह रहा है कि इसका जरा ट्वीट में पढ़े देता हूँ कि इसने जो कहा था कि उससे साफ पता चल रहा कि इनकी साजिश बहुत बुरी तरह। द इन्फो ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपलोडेड बाई इलेक्शन कमीशन से इज एज रिकॉर्ड फ्रॉम एसबीआई डज नॉट गिव द सीरियल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर फाइंडिंग हु गिव बॉन्ड टू हु। दिस वाज इंप्लिकेट इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एसबीआई एफिडेविट सेड दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड थ्रू इन सेपरेट साइलोज। मनीष जी, कुल कितना चंदा कारपोरेट जगत ने इन राजनीतिक पार्टियों को दिया 2019 से 2000, समझिए 24 तक का, जनवरी 2024 तक का ये डिटेल है कि इन 5 सालों में कितना चंदा दिया गया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। ये बात इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें डाल दी है, और बाकी जो डिटेल ये कह रहा है वो तो स्टेट बैंक ने कहा कि उसके लिए हमें समय लगेगा, 3 महीने बाद हम वो भी बता देंगे। और उसका कारण है जो जो ये बोल रहा है, और सबसे खास बात कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ये प्रशांत भूषण वहां पर खड़ा था, ये वहां पे पैरवी कर रहा था, और इसके सामने ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फिलहाल वो जो माइन्यूट डिटेल है वो तुम 3 महीने बाद भले करना, अभी हम तुमसे कह रहे हैं कि कितना चंदा दिया गया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला, फिलहाल हमको ये बताओ। तब ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला क्योंकि इसका मुंह काला हो जाता, उस समय बोल नहीं सकता था। अब ये आके नाटक फैला रहा है क्योंकि आज ये बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हुए हैं मुनि जी। जो अभी जो प्रथम दृष्टया जो डिटेल आई है उसके बाद ये प्रशांत भूषण तो अदालत में जाके वकालत कर रहा था, पैरवी कर रहा था, पूरा लगा हुआ था, और ऐसा माहौल वो जो खैराती वो यूट्यूब वाले दो दो तीन तीन दिन नाचे, घुंघरू बांध के नाचे कि अब तो सब नंगा हो गया और मोदी सरकार का मुंह काला हो जाएगा। क्या क्या नहीं कहा उस पाड़ा के भाई, बलात्कारी पांडे के भाई ने, और वो जली लंजूम और उसके साथ वो पूरा गैंग कैसा नाचा था, आज इन सबका मुंह काला हो गया। क्योंकि मनीष जी इसमें दो बातें हैं, अभी दर्शकों को समझाऊंगा, आप लोग को ताजुब होगा कि ये जो करीब करीब समझिए 6,000 करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए चंदा पिछले 5 साल में इन कारपोरेट ने इन पार्टियों को दिया है, लेकिन और उसमें सबका उन्होंने डेट वाइज दिया है कि कब कब इलेक्टोरल बॉन्ड कितने कितने रुपए के खरीदेगा, ये भी दिया है। और उसमें मनीष जी एक भी बॉन्ड, एक भी, मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, उसमें से एक भी बॉन्ड ना तो अडानी ने खरीदा है और ना अंबानी ने खरीदा है, जिसके नाम से कथक ये राहुल गांधी लगातार कर रहा था, कांग्रेसी प्रवक्ता कर रहे थे, और ये यूट्यूब वालों को तो मिर्गी की तरह दौरे पड़ रहे थे, बलात्कारी पांडे के भाई और जली लंजू मंजू को, और ऐसा लग रहा था कि सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से अडानी अंबानी ने भाजपा को दे दिया। तो पहले तो इनका मुंह काला हुआ कि अडानी और अंबानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा, एक रुपया भी चंदा किसी पार्टी को नहीं दिया है, जो कांग्रेस भाजपा किसी को नहीं दिया। तो ये जो अडानी अंबानी के नाम पर कूद रहे थे बंदरों की तरह, जैसे मदारी नचाता था, बंदर फराक राक पहन के नाचते हैं कई बंदरिया को, ये वैसे ही नाच रहे थे, कुछ बंदरिया नाच रही थी, कुछ बंदर नाच रहे थे। तो आज उन बंदरों की पीठ पे इतना जोरदार डंडा पड़ा है सच का, और ये सच का डंडा है क्योंकि अब इसके ऊपर ये कुछ कर नहीं पा रहे। और दूसरे, प्रशांत भूषण इस बात पर क्यों, अब तो अडानी अंबानी तो बाहर हो गए, खेल से ही बाहर हो गए, वो कहीं उनका जिक्र ही नहीं है,
कि उन्होंने कोई चंदा दिया है इस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये डिटेल क्यों चाहता है मनीष जी? ये इसका क्या लेना देना, इसका क्या लेना देना, और ये डिटेल क्यों चाहता है? हालांकि ये जो डिटेल चाह रहा उसमें भी बहुत बुरी तरह वो सारे मोदी विरोधियों का मुंह काला होगा, क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़ा, वो तो मनीष जी गजब का आया है। मैंने नोट किया है भाजपा को पिछले 5 साल में 6,060 करोड़ रुपए चंदा मिला है। दर्शक जरा ध्यान से सुने इसको, और कांग्रेस को चंदा मिला है 1421.9 यानी 1422 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, 1422 करोड़ रुपए कांग्रेस को चंदा मिला है। तो ये तो चलिए अभी इसका तो अंतर मैं इस अंतर का कारण क्या है तो मैं बताऊंगा, लेकिन मनीष जी तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला है पिछले 5 साल में। तृणमूल कांग्रेस को मिला है 1609 करोड़ रुपए, यानी कांग्रेस से करीब करीब 13-14% ज्यादा चंदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे वो तेलंगाना वाला बीआरएस, अब जरा खेल समझिए कि बीआरएस को चंदा मिला है 1215 करोड़, 1214.7 है उसको आप एक मान लीजिए, तो 1215 करोड़ रुपए का चंदा बीआरएस को मिला है। तो इनको भाजपा के 6,060 करोड़ रुपए चंदा पे इनको आपत्ति है 5 साल के अंदर, यानी औसत निकाल लीजिए तो करीब करीब 1200 करोड़ रुपए चंदा आप कह सकते हैं। मनीष जी तेलंगाना में विधानसभा की सीटें हैं 119 टोटल, और उसके बहुमत के लिए 65 एमएलए 70 एमएलए इतने काफी होते हैं, 65 को बड़ा बहुमत माना जाता है, कायदे से तो 20, अगर आपके 60 एमएलए हैं तो आपकी सरकार बन जाती है। और वो जो बीआरएस है जिसके तेलंगाना में 60-65-70 इस तरह 70 से ज्यादा कभी नहीं आए, एक तरह से वही 70-70 एमएलए, जिस पार्टी के 70 एमएलए 5-7 एमपी उसको 1200 करोड़ मिल रहे हैं, और तेलंगाना के बाहर उसकी कोई औकात नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं है, उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं। अब मैं अभी फर्क बता रहा हूं कि ये केवल 60-65 विधायक वाली पार्टी उसको 1200 करोड़ रुपए कहां से मिले, इस पर प्रशांत भूषण को कोई परेशानी नहीं है, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, वो बलात्कारी पांडे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में जिस भाजपा के पास 275 एमएलए हैं उसको अगर चंदा मिल रहा है इनसे 6,000 करोड़ यानी साल का 1200 करोड़, तो इनको आग लग रही है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है। मैं तो केवल यूपी की बात कर रहा हूँ, जितना यूपी में जितने विधायक हैं भाजपा के पास उतने विधायक तृणमूल कांग्रेस और ये बीआरएस इनको मिलाकर इनके पास नहीं है, और इन लोगों को 3,000 करोड़ रुपए का चंदा है, और ये भाजपा की सरकार केंद्र में 303 तो भाजपा के एमपी, 350 एनडीए के एमपी, उसको अगर 6,000 करोड़ मिल रहा है तो इनको बड़ी परेशानी है। लेकिन जिस कांग्रेस के ले दे के केवल 50 एमपी हैं, यानी भाजपा के पास जिससे 6 गुना 7 गुना ज्यादा एमपी हैं एनडीए के पास, उसको अगर 6,000 करोड़ चंदा मिला तो इनको आग लगी हुई है। तो जैसे तुमसे 6 गुना ज्यादा सीटें हैं भाजपा की, वैसे तुमसे पांच गुना भी नहीं 4 गुना ज्यादा उसको चंदा मिला है, और इसमें तुमको आग क्यों लग रही है? आप क्या करोगे? क्योंकि अडानी अंबानी तो है ही नहीं उसमें, अडानी अंबानी तो उसमें है ही नहीं, उन्होंने चंदा ही नहीं दिया है, और पिछले 5 साल का लेखा जोखा है। तो आज इन लोगों का मुंह बहुत बुरी तरह से मनीष जी काला हुआ है सर। मतलब अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैं देख रहा था मेरे सुप्रीम कोर्ट के कई जो खैराती साथी हैं, मैंने मतलब जो के चेले हैं कई, वो सब भी कूद रहे थे, क्या रहे, क्यों नहीं बता रही सरकार, भाग क्यों रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है ना इनके चाल में या तो फंसता है या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के दांव में ये फंसते आते हैं। ये कल तक जो नैरेटिव बना रहे थे वो पूरी तरह से नग्न हो गए, और ये साफ इससे लगता है कि जानबूझ करके चुनाव से पहले, जिस तरह से पिछली बार आपको याद होगा राफेल का बवाल मचाया गया था, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा, तो मुझे लगता है इसी ढंग से इसके लिए तो ये नैरेटिव करने के लिए माफी मांगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन लोगों को। और ये प्रशांत भूषण तो माफी वीर है, ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुआ, 1 रुपए के सिक्का अपनी औकात बता करके ये राहत पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी औकात 1 रुपया की थी, 1 रुपया की थी कि 1 रुपया दे दो तुमको माफ कर देंगे, तो 1 रुपया इसने देखे अपने आप को माफ करा लिया था, ये इसकी ये औकात। सर ये बाप के, ये लोग तो बाप के कारण वकील है ना, औकात तो 1 रुपए वाली ही है बाप के, क्योंकि बाप इतना बड़ा वकील था, देश का कानून मंत्री था उस दौर में, तो बहुत सारे जो जज हैं उन्हीं के
आशीर्वाद से बहुत सारे लोग जज बन गए, तो इसका फायदा ऐसे ये लोग उठाते हैं। सचमुच ये कैसे नैरेटिव है जो जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग, ये साफ समझ में आता है कि इस तरह की याचिकाओं के मायने क्या होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, कमाल की बात है सर, आपको मैंने वो खबर भेजी थी अभी जिसके पिछवाड़े में राहुल गांधी ने अपने नाक की गंदगी पोंछ दी थी। खड़गे साहब ने कहा है कि हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं, कांग्रेस पैसे की कमी से जूझ रही है। भाई साहब, मल्लिका अर्जुन खड़गे, मतलब इनके मुताबिक ये जो लूट का धंधा इन लोगों का था, सरकार ने वो धंधा बंद कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है का पाप सामने आया इनका, कि क्या कुछ इनकी, मतलब इनके, आपने पिछले दिनों बताया था कि राम मंदिर के लिए जितना एक आदमी ने डोनेट कर दिया, पार्टी को पूरे देश भर से कार्यकर्ता जो है उतने इसको चंदा नहीं दे पाए। ये इनकी औकात हो गई है, ये इनकी औकात हो गई, इसका रोना भी ये रो रहे हैं। और यदि गैर कानूनी धंधा तुम कर रहे हो, उसके अकाउंट बहुतों के फ्रीज किए गए, तो खड़गे ये रोना सर आज ही क्यों रोया? नहीं मनीष जी, ये जो कह रहा है कि हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए, तो ये बैंक खाते को जबरदस्ती थोड़ी बंद कर दिए गए, ये उस तरह से बंद नहीं किए गए मिस्टर खड़गे, जिस तरह से राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का वो अध्यादेश फाड़ दिया था, मनमोहन सिंह की सरकार का जबरिया फाड़ दिया था, एक तरह गुंडई दिखाते हुए दिल्ली प्रेस क्लब के अंदर कैमरों के सामने, ये तो कानून के तहत फाड़ा गया। और तुम ये आधी बात बताता है खड़गे, ये नहीं बताता कि जब ये कोर्ट गया तो कोर्ट में इसको कोई राहत नहीं मिली, कोर्ट का जो तुम्हारे पास बकाया है जिसके तहत तुमको ये अकाउंट बंद किया गया है, वो पैसा जमा कराओ इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स की चोरी करोगे और उसके बाद कहोगे कि नहीं 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 हम तो पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए हमको टैक्स चोरी की छूट मिले, तो इसके तहत इसका खाता बंद किया। ये बताओ कि टैक्स चोरी के तहत बंद किया इनकम टैक्स में, कोई गुंडाई से नहीं बंद कर दिया कि नहीं नहीं अभी आज से आपका खाता ये बंद, तो जिस वजह से बंद किया गया है उसके लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट से भी तुमको राहत नहीं मिली। तो ये असल में मनीष जी खैराती और ये नेताओं की आदत हो गई है कि चुनाव आ गया है, अगर अपने आप को पॉलिटिकल आदमी बताओ, पॉलिटिकल पार्टी बताओ, तो ये कोई भी कुकर्म करेंगे। और अब मोदी सरकार में इनको ये छूट नहीं मिल रही है, इसलिए ये तिलमिलाए बिलमिलाए इस तरह का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एक हम लोग अक्सर कहते हैं कि इनको सपोर्ट कौन करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को आयकर विभाग ने 13 फरवरी को 105 करोड़ रुपए बकाया टैक्स वसूली के लिए नोटिस भेजा। बाद में आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिया था। मतलब चोरी और सीनाजोरी कर रहे थे। और ये सब पैसे किसके काम आएंगे? ये सब पैसे नरेंद्र मोदी या अमित शाह के घर नहीं जाने हैं, इन्हीं सब पैसों से कल्याण हो रहा है देश का। इसी फर्क को समझना है और इसीलिए तिलमिलाहट है और इसीलिए नैरेटिव ये गढ़ते हैं जो लगातार फेल हो जा रहे हैं। हरदीप सिंह जी कनाडा से अपने एनआरआई साथी हैं, कह रहे सतीश जी एंड मनीष जी 21 तोप का सैल्यूट है आपको, अमेजिंग हार्ड वर्क विद बेस्ट नॉलेज, जय हिंद। बहुत समर्पित व्यक्ति हैं और ये आए हुए थे तो इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि सतीश जी के साथ भी, मगर ऐसा हो नहीं सका। मैं भी दिल्ली में नहीं था और आप भी नहीं आ पाए तो मुलाकात नहीं हो पाई। इनकी बड़ी इच्छा थी, जो भारत में आऊंगा तो आप लोगों के साथ लंच करूंगा। चलिए, ईश्वर ने चाहा तो ऐसा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप भाई, बहुत आभार आपका सर। अब तो अच्छा, हृतिक जी कह रहे मनीष भैया गुरु जी प्रणाम, ममता दीदी के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, इस पर किसी भी तरह का सवाल हमको नहीं उठाना चाहिए, राजनीति अपनी जगह है, हम मनुष्य हैं, कुछ राष्ट्रवादियों को इस पे मजाक करते देखा बड़ी निराशा हुई। बिल्कुल, किसी के स्वास्थ्य का मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमें इनसे इन सब चीजों को लेकर के, राजनीति अलग चीज है और कोई नहीं, मुझे लगता है शायद कहीं चोट वोट होने लगी है इसीलिए। मनीष जी हम लोग तो उसका जिक्र ही नहीं करते, आज हमारे एजेंडे में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ऋतिक जी ने कह दिया तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मजाक उड़ा रहे हैं वो गलत नहीं उड़ा रहे। उसका कारण बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी झूठ को लेकर कैसा झूठ फैलाया था कि मुझे चोट लगी, पहले तो उसने कहा कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया है, फिर उसके बाद जब वीडियो स्पष्ट हुए तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमला नहीं हुआ, तो खुद अपने कर्मों से चोट खाई है। तो क्योंकि आदमी का अभी बिल्कुल निकट अतीत का जो अनुभव है वो ये है कि किस तरह से ड्रामा करती है, तो जिनकी आप बात कर रहे हो तो उनको अभी ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये ड्रामा कर रही है कि इसको चोट लगा है। तो अभी हो सकता है कल ये ठीक होकर कह दे कि मेरे ऊपर हमला किया गया था। तो इस महिला ने अपनी साख जो है जनता के बीच में खुद खत्म कर दी है।
अन्यथा याद करिए जिस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा था इसने कैसा ड्रामा किया था, पैर में प्लास्टर चढ़वा लिया, व्हील चेयर में चलने लगी, पहले कहा कि मेरी हमला हुआ है, फिर कह रही दुर्घटना हुई। तो जो महिला स्वयं के साथ इस तरह का भद्दा भूंडा मजाक कर चुकी हो तो उसकी अगर दुर्घटना की खबर आएगी तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में जो निकट की घटना है वो उसके दिमाग में आएगी। तो जो आप कह रहे हैं तो वो उसका कारण सिर्फ यही है और कोई कारण नहीं, अन्यथा हम भारतीय कम से कम इतने संवेदनशील तो ही है कि किसी को ऐसा चोट लगे तो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता। बिल्कुल सर। सर लगातार एक तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला हो ही गया, ये पूरा एक मूल मुद्दा इस 5 साल में राहुल गांधी के पास अडानी था, अडानी अडानी, अंबानी से ज्यादा अडानी अडानी अडानी। अब अडानी ने इन सबको एक तरह से बेनकाब कर दिया है, और अभी मैं देख रहा था उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य मुझे बदनाम करना नहीं था, भारत को बदनाम करना था। और हम लोग भी मानते कि अडानी एक व्यक्ति नहीं है, अडानी इस देश में सबसे तेजी के साथ पिछले कुछ दशक में बढ़ने वाले एक ऐसे उद्योगपति हैं जो भारत के अर्थतंत्र को उन्होंने बहुत मजबूती प्रदान किया है। और ये रोजगार के नाम पर जो प्रपंच ये लोग रचते हैं, आडवाणी अडानी को दरअसल बर्बाद करके भारत के पूरे अर्थतंत्र और भारत में बेरोजगारी का एक षड्यंत्र करना चाह रहे थे। जरा सा एक बार देख लेते हैं अडानी के उस बयान को जो आपने साझा किया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। लेट मी एलोबरेट विद द रीजेंट एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्टिंग दैट अडानी ग्रुप हैड टू गो थ्रू। एज मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर, लास्ट ईयर द 24 जनवरी वी आर सब्जेक्ट टू अ मैसिव अटैक by US short seller. The objective was not just to destabilize us, but also to politically defame India's governance practices. Despite the efforts to shake our foundations, we stood firm. Not just safeguarding our reputations, but also ensuring we. अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा हमें और हमारे देश को बदनाम करने की ये बड़ी साजिश थी। जरा मनीष जी बता दूं, आज अडानी के इस बयान के बड़े मतलब है मनीष जी, केवल इतना ही नहीं है। अडानी ने जो कहा, दर्शकों को मैं हिंदी में बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दरअसल अडानी ग्रुप की तरक्की को रोकने और भारत की सरकार को बदनाम करने का प्रयास था। यह दुनिया में किसी भी कारपोरेट पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर हमला बोला गया था। इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना नहीं था, हिंडनबर्ग भारत सरकार की नीतियों को भी निशाना बनाना चाहती थी। भारत सरकार की नीतियों को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। हमारी नींव को हिलाने के इस प्रयास के बावजूद अडानी ग्रुप मजबूती से खड़ा रहा और संकट का सामना किया। हमने लंबी लड़ाई के बाद न सिर्फ अपनी साख बचाई बल्कि अपने ग्रुप को भी आगे बढ़ाया। ये इनका जो बयान, जो अंग्रेजी बोले हैं उसका जो थोड़ा विस्तृत बयान ये था। मनीष जी आज का जो दिन था, आज जो होता ना हम लोग जो ज्योतिष में होता 1 घंटे का राहु काल, 1.5 घंटे का राहु काल, आज जो सोरोस का एक वैश्यालय चल रहा है, मोदी विरोध का वैश्यालय चल रहा है, उस मोदी विरोधी सोरोस के वैश्यालय के भड़ुओं दलालों कुत्तों का आज जो है पूरे दिन राहु काल चला है, पूरे दिन उनका राहु काल चला है। पहले तो जो आज ये भी हम लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड की बात की उससे इनका मुंह काला हुआ, मुंह ने इनके आगे पीछे सब काली पोत दी उस इलेक्शन बॉन्ड की सच्चाई ने।